this is the entrance to Nua Goa, and हम इस तरह से अगर एंटर करें तो ये आपको स्टार्टिंग में पार्किंग लॉट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। सो यहाँ पे आपको बहुत सारे डक्स और हेंस मिल जाएंगे देखने के लिए। इट इज़ बेसिकली इट गिव्स यू टिपिकल फीलिंग ऑफ विलेज एरिया जहाँ पे आप, या फिर आप एक कोई फार्म हाउस में जा रहे हैं जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें दिख। आई थिंक ये जो छोटे छोटे हट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, शायद वो कोई बर्ड्स रखे होंगे जो अभी शायद नहीं है, या फिर निकल के उड़ गए या मर गए, डोंट नो, बट दोज आर एम्प्टी। और इस साइड पे अगर हम देखें तो ये कुछ अगेन थोड़े से पेड़ पौधे हैं, एंड देर इज़ अ बिग फील्ड जहाँ पे दे ऑल्सो प्रोवाइड द स्पोर्ट्स गुड्स, जैसे क्रिकेट बैट्स हो, स्टम्प्स हो खेलने के लिए। एंड वी कैन सी अ ग्रुप ऑफ पीपल हियर प्लेइंग, एंड टू द लेफ्ट ऑफ इट यहाँ पे एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है किसी का, शायद फार्म हाउस है खुद का, और सामने एक छोटा सा पॉन्ड है और वहाँ पे बोटिंग भी करते हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ लोग बोट, पैडल बोट्स बेसिकली एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है, मुझे लग रहा है मेनी एल्डरली पीपल और जैसे आप इस तरफ एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको ये दिखेगा आई लव नुआ गोवा। तो यहाँ से जैसे आगे बढ़ते हैं यू टेक अ लेफ्ट एंड ऑन योर राइट दिस वन इज़ द रिसेप्शन, एंड ऑन द लेफ्ट यहाँ पे उनका लाइव किचन एरिया है, और यहाँ से वो एरिया शुरू होता है वेयर दे स्टार्ट सर्विंग पीपल एंड यू कैन कम एंड सिट इन दोज इंडिविजुअल हट्स आ सकते हैं। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल हट, इसके साइड में एक शैक जैसा है जहाँ पे आप लाइव चेयर, म्यूजिक चेयर प्ले कर सकते हैं, कुछ फूड ऑर्डर कर सकते हैं, हैंग आउट कर सकते हैं, वहाँ पे बच्चे आपके खेल सकते हैं। देयर इज अ बैडमिंटन कोर्ट, देयर इज अ सीसॉ, स्विंग्स, बहुत सारा चीज़ है बच्चों के खेलने के लिए, कुछ बड़े भी खेल सकते हैं। तो ये मैंने कुछ स्टिल्स लिए थे, कुछ शॉट्स लिए थे जस्ट टू कैप्चर इन माई फ्रेम एक वाइड एंगल से, एंड देयर आर यू कैन सी यहाँ पे स्लाइड्स हैं, स्विंग्स हैं, and this is the road that leads to the rooms or the cottages that they have. So basically this is a man-made pond jahan pe they leave some ducks or swans yahan pe swim karte hain naturally. Peeche aap dekh sakte hain wahan pe khet hain jahan pe agriculture hota hai, and again this is the image of the rooms. और इस तरफ हमें लंच सर्व किया जा रहा था, दिस इज़ वन ऑफ द पार्ट्स जहाँ पे लंच दूसरे लोगों को भी सर्व किया जा रहा था। सो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं एक सनसेट पॉइंट पे, जो कि यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर दूर है, एंड क्या है वो जगह का नाम आगे देखिए। दिस इज हरिपुर डैम रिजर्वायर, जस्ट लुक एट दिस ब्यूटिफुल सीरीन ट्रैंक्विलिटी एट इट्स बेस्ट। इट इज अ बिट हेजी बिकॉज यहाँ पे फॉग बहुत ज्यादा है, जस्ट कंप्लीट द 360 degree view.
है।